रिमेंबर दिस प्लेस, शायद आपको याद होगा और याद नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप मेरे पिछले वीडियोस अगर देखे थे तो एक वीडियो में मैं यही लोकेशन पे आके मेरा इंट्रो दिया था। हेलो एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल द एडवेंचर क्लब गुवाहाटी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और राइट हैंड साइड में जो बेल का आइकॉन है इसको भी प्रेस करके थोड़ा पुण्य कमा लीजिए और हमें भी पुण्य कमाने का मौका जरूर दीजिए। तथास्तु। तो गाइज आज मैं वैसे ही संडे है तो मैं निकला हूँ एक छोटा सा राइड पे। मैं आपको दिखाऊंगा जो जगह में मैं अभी जाऊंगा, आज जा रहा हूँ, पहले भी विजिट कर चुका हूँ। आज मैं विजिट कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, जो जो वो लोकेशन नहीं देखा अभी तक वो ज़रूर देख सके, इसीलिए मैं आपको एक व्लॉग लेके आया हूँ आपके लिए, और राइड भी एंजॉय करिए। तो चलिए गाइस वहाँ पे लेके चलते हैं, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं। पिछले बार भी काजू लेके आया था मगर बारिश के वजह से पूरा गीला हो गया। यहाँ तक तो बारिश नहीं था मगर उसके आगे जाके बारिश बहुत ज़्यादा है। आज का सिचुएशन के बारे में मुझे थोड़ा सा भाई आइडिया नहीं है, नॉलेज नहीं है वहाँ पे बारिश हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं एक्चुअली आज जा रहा हूँ माउलिनंग, मतलब एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज। तो आप भी चलिए मेरे साथ, आज वीडियो देखिए, नेक्स्ट टाइम ज़रूर आइएगा, आप एंजॉय बहुत होगा। फिलहाल तो मैं शिलोंग पहुंच चुका हूं, यहां से ज़्यादा दूर नहीं है। संडे को एक ही प्रॉब्लम है कि यहां पे जो शॉप है वो बंद रहता है मैक्सिमम। का जो वीडियो है मैं वो तीन पार्ट में बनाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, और तीनों ब्लॉग ही आपको बहुत पसंद आएगा 100% श्योर। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना फॉग गिरा हुआ है, आप यकीन नहीं करेंगे ये फॉग है या कुछ और, आप देख लीजिए। मैं तो फिलहाल अभी डाउकी रोड में एंटर कर चुका हूँ, ये बहुत बड़ा एक वैली टाइप का लगता है। मैं जब भी यहाँ पे आया था ये जगह ऐसा ही होता है, जितना भी धूप हो जितना भी बारिश हो इसी टाइप का मौसम रहता है इस जगह में, आप देख लीजिए। और दूर से देखने से आपको ये क्लाउड नज़र आएगा, दिस इज ऑसम मैन, ऑसम प्लेस। तो गाइस मैं जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं कितना फॉग गिर रहा है यहाँ पे, मीन्स मैं तो नाम दिया हूँ वैली ऑफ फॉग। ये लोकेशन पे आपका बहुत सारे फॉग एनी टाइम गिरते रहते हैं। और अभी मैं एक होटल पे रुका हूँ, होटल मतलब रेस्टोरेंट पे, वेज मैगी खाएंगे और थोड़ा भूख लग रहा है एक्चुअली, तो यहाँ से निकलेंगे, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। मैं ऑलरेडी 9 बजे डाउकी रोड पे पहुँच चुका था, बहुत जल्दी पहुँच गया मैं, घर से लगभग 6:30 बजे निकला। वेदर बहुत ही बढ़िया है आज, बारिश हो गया तो काम तमाम नहीं होने से अच्छा है, ताकि आपको जगह अच्छा से दिखा सकूँगा। अभी शायद बारिश भी स्टार्ट हो गया है, बहुत प्रॉब्लम होगा, रेनकोट भी पहनने का मन कर रहा है मगर रेनकोट पहनने से मैं थोड़ा अनइजी फील करता हूँ, तो इसीलिए शायद मैं धीरे धीरे करके जाऊंगा। फोग इतना गिर रहा है, ऊपर से बारिश भी हो रहा है, तो यहाँ से स्लो जाना पड़ रहा है, तो गाड़ी सब भी स्लो आ रहा है, तो चलिए रेनकोट नहीं पहनेंगे। आई एम टेलिंग यू दैट ये जगह जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है, माय फेवरेट रोड ऑफ मेघालय। ये आप कुछ हद तक आप लाइट लूम के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं। फाइनली मैं मौलिनोंग का जो मेन तिनाली है वो तिनाली में पहुंच गया हूँ। यहाँ से हमको राइट लेना पड़ेगा, यहाँ से 18 किलोमीटर डिस्टेंस होगा डायरेक्ट माउलिनोंग तक। चलिए
सो फाइनली मैं मोलिनोंग में पहुंच चुका हूं और बहुत सालों बाद यहां पे आया हूं, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहां पे बहुत सारा मॉडिफिकेशंस हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। पार्किंग स्पेसेस भी बढ़ा दिया गया है और आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे, ये सिर्फ पार्किंग स्पेसेस है और आगे में भी है। तो चलिए, और फॉर्चुनेट हूँ मैं कि इसीलिए मैं शायद अकेला आया हूँ बोल के मेरा पास भी नहीं बनाया, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया, तो इट्स ऑसम, मैं अच्छा लगा। पहले से बहुत चेंज हो गया है, मैं इसीलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि साइड में क्या है, तो फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी टू शिलोंग मोलिनोंग विलेज, एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज ये है, जो कि मेघालय में है और मोलिनोंग बोल के जगह का नाम है। Do you know one thing? This is not a resort. This is a village. यहाँ पे जितना भी आपको घर दिख रहा है, ये सब यहाँ पे आदमी रहते हैं। तो अब समझ में आया, एक्चुअली इस जगह में पहले मैं जब आया था इस जगह में पार्किंग था और यहाँ से हमको गांव देखने का मौका मिलता था, और आजकल थोड़ा आगे कर दिया है, आगे में आपका पार्किंग करके घूम सकते हैं आप। बहुत साफ सुथरा है, आपको नहीं लगेगा कि ये गांव है, ये एक रिजॉर्ट टाइप का लगेगा आपको, और ऐसा लगेगा कि आदमी पूरा इन प्लानिंग बनाया है, मगर ऐसा नहीं है, सब कुछ नीट एंड क्लीन है। दैट इज़ वाई दिस इज सो फेमस फॉर टूरिस्ट। There is a field day also. You can play football, cricket, anything else you can play over here. And that one is little bit a forest area like this. You can see the place. मोलिनोंग विलेज यही था, ये नीट एंड क्लीन है बोल के बहुत ज़्यादा फेमस है, बाकी और कुछ नहीं है देखने के लिए, आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। चलिए मैं आगे और एक जगह जाने की कोशिश करूँगा। वीडियो इज टू बी कंटिन्यूड, प्लीज स्टे ट्यून। क्या मुसीबत है यार, एक बहुत ही खूबसूरत व्यू हमको मिला है, ऐसे गिरेंगे ना
तो शायद हड्डी भी नहीं मिलेगी। ये सब फॉरेन कंट्रीज है एक्चुअली।